हेलो स्टूडेंट, आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं समान पात्रता परीक्षा, जो सीईटी का एग्ज़ाम आपका होने जा रहा है, ग्रेजुएशन लेवल वाला। जिस आपको पता है जनवरी में एग्ज़ाम है इसका, तो उसी का जो सिलेबस है आपके सामने और परीक्षा स्कीम है, ये मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। इसमें क्या है, 150 क्वेश्चन आएंगे, 300 मार्क्स का पेपर होगा, 3 घंटे का पेपर होगा। तो आपको क्या करना है, आपको बस कुछ नहीं करना, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है चैनल को, और आराम से बैठकर सिलेबस पूरा एंजॉय करना है, देखना है, आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। कंप्यूटर में जितने भी, जैसे मान लीजिए 7 से लेकर 10 क्वेश्चन आने के चांसेस हैं कंप्यूटर के, तो ये पूरे के पूरे आपके सही हो जाएंगे, है ना। तो सबसे पहला सिलेबस का टॉपिक है हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर, उसके बाद हम देखेंगे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंक्लूडिंग रैम रोम फाइल सिस्टम इनपुट डिवाइस कंप्यूटर सॉफ्टवेयर रिलेशनशिप बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर देखेंगे, फिर ऑपरेटिंग सिस्टम देखेंगे हम, फिर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जैसे वर्ड हो गया, एक्सेल हो गया, स्प्रेडशीट, पावर पॉइंट, ये देखेंगे। तो बिना देरी करें हम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, आ जाइए। देखिए कंप्यूटर की विशेषता, कंप्यूटर की क्या विशेषताएं हैं, कब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर देखने जा रहे हैं हम इसमें। देखो कंप्यूटर कैसा होता है, कंप्यूटर आपको पता है, कंप्यूटर ये मॉनिटर हो गया, इसके सामने कीबोर्ड हो गया। अब क्या होता है, ये सीपीयू हो गया, ये जो मॉनिटर है ये क्या होता है, आउटपुट डिवाइस होता है, कीबोर्ड क्या है, इनपुट डिवाइस होता है। ये आपने आपको पता होगा, नहीं पता होगा तो ये सारी चीज़ें हम आपको पढ़ाएंगे आगे चलकर। तो आप अभी ये समझ लीजिए कि ये पूरा जो कंप्यूटर है जिसमें सीपीयू हो गया, मॉनिटर हो गया, कीबोर्ड हो गया, तो इनकी विशेषता पूछ रहा है इंडिविजुअली, ये पूरा कम्प्लीटली जिसे हम कंप्यूटर बोलते हैं, तो इसकी क्या पूछ रहा है, ये विशेषता पूछ रहा है ना। तो सबसे पहली विशेषता क्या है इसकी, इसकी गति, इसकी जो स्पीड होती है वो कैसी होती है, बहुत ज़्यादा हाई स्पीड होती है। जैसे मान लीजिए कि अगर इसकी स्पीड इंसान से कम होती, जैसे हमसे कम होती, हम इंसान ह्यूमन बीइंग्स हैं, अगर हमसे इसकी स्पीड कम होती तो क्या हम इसका इस्तेमाल करते, बिल्कुल भी नहीं करते, क्योंकि मनुष्य ने उसी चीज़ को अपनाया है जो चीज़ मनुष्य से ज़्यादा सुप्रीम है, एक्सट्रीम है, है ना। जैसे मान लीजिए कंप्यूटर को आज क्यों हमने पूरी तरीके से अपना लिया, अपने जीवन में कोई भी चीज़ उठा के देख लीजिए, वो सब कंप्यूटर बेस्ड है, कंप्यूटर रिलेटेड है, चाहे अपना मोबाइल फ़ोन उठा लीजिए, चाहे घड़ी उठा लीजिए, चाहे कंप्यूटर तो आप जानते ही हैं, चाहे टीवी हो, लैपटॉप हो, रिमोट कंट्रोल्स हो, सॉफ्टवेयर्स हो, ये सब कंप्यूटर बेस्ड हो चुकी हैं चीज़ें, और इसने हमारे जीवन को क्या है, आसान कर दिया, क्योंकि इसकी स्पीड क्या है, बहुत ज़्यादा है, है ना। एक कंप्यूटर जो 1 सेकंड में लाखों गणनाएं कर सकता है, मनुष्य उसी गणनाओं करने में कितना टाइम लगेगा, उसको कई साल लग जाएंगे, कई वर्षों तक वो गणना करता रहेगा, परंतु कंप्यूटर के मुकाबला नहीं कर पाएगा, है ना। तो परंतु कंप्यूटर को बनाया किसने, मनुष्य ने बनाया, तो इसका इस्तेमाल भी कौन लेगा, मनुष्य ही लेगा, है ना। पर अपन तो क्या देख रहे हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर देख रहे हैं, इसलिए पढ़ रहे हैं। अब देखिए कंप्यूटर कुछ ही सेकंड में वो सारी गणनाएं कर सकता है, जिस गणना को करने में मनुष्य को कई साल लग जाते हैं। अब कंप्यूटर की जो स्पीड है उसको किस में नापा जाएगा, हर्ट्ज में कैलकुलेट करते हैं, है ना। तो ये हर्ट्ज जो है, ये थोड़ा क्लियर कर देता हूं जिससे आपको दिखाई दे सके। अब ये जो हर्ट्ज है ना, ये हर्ट्ज आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे ही बनेगा कि कंप्यूटर की जो स्पीड होती है उसको किस में कैलकुलेट किया जाता है, तो उसको हर्ट्ज में कैलकुलेट किया जाता है, है ना। और वर्तमान समय में क्या है, कंप्यूटर नैनो सेकेंड 10^-9 में गणना कर सकता है ना, नैनो सेकेंड। पहले कैसे करता था, माइक्रो सेकेंड्स में करता था, माइक्रो सेकेंड कम टाइम ले, मतलब यानी ज़्यादा टाइम लेता था, पर इसमें और कम समय कर दिया कैलकुलेशन करने का। इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, देखो 1/ लिखेंगे और फिर लिखेंगे 1 0 0 0 फिर 0 0 0 फिर 0 0 0 एक सेकंड को इतने जीरो, मतलब इतने इससे डिवाइड करेंगे, इसको बोलेंगे 1 बिलियन। कैलकुलेट कर लीजिए, या 100, ये इकाई, ढाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, 1 अरब। तो 1 अरब से, 1 अरब सेकंड से 1 सेकंड को डिवाइड करेंगे, इतने सेकंड में कंप्यूटर कैलकुलेट कर लेता है। कहने का मतलब यह है इसका 10^-9 का, ठीक है। आप इसको याद भी रख सकते हैं, क्योंकि एग्जाम में ऐसे भी पूछा जा सकता है। आ जाइए, अब देखो थोड़ा क्लियर करते हैं, फिर आगे वाला पॉइंट पढ़ते हैं। आपको अगर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ओके गाइस। देखिए त्रुटि रहित कार्य, एक्यूरेसी। अब कंप्यूटर की जो एक्यूरेसी होती है वो कैसी होती है, कंप्यूटर जो काम करेगा वो बहुत एक्यूरेसी के साथ काम करता है। परंतु आपने देखा होगा, जैसे मान लीजिए आपको कोई कैलकुलेशन करवानी है, कई लाखों डिजिट्स हैं या फिर कोई नंबर है, उनकी जोड़ना है, उनको मल्टीप्लाई करना है, गुणा करना है, तो कंप्यूटर तुरंत कुछ सेकंड में एक्यूरेट आंसर निकाल देता है, चाहे उसको पेपर पेन पे कॉपी से करते रहिए कई दिनों तक, तब भी आप उस कैलकुलेशन को नहीं कर पाएंगे जिसको कंप्यूटर बहुत जल्दी, बहुत आसानी से और उस बिल्कुल सही उत्तर के साथ करके आपके सामने रख देगा। परंतु कई बार क्या होता है, कंप्यूटर की भी कुछ
लिमिटेशंस होती हैं कंप्यूटर में। जैसे मान लीजिए कोई एरर आ गया, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स में कोई ख़राबी आ गई है ना, उसका जो प्रोग्रामिंग सिस्टम है वो अच्छा नहीं बन पाया, या फिर उसके अंदर कोई वायरस आ गया, तब क्या होता है कंप्यूटर की जो एक्यूरेसी है वो थोड़ी सी गड़बड़ा सकती है ना, तब वो पूरी तरीके से भी ख़राब हो सकता है, ऐसी कोई बात नहीं, पर एक्यूरेसी मतलब त्रुटि रहित कार्य नहीं कर पाएगा था। परंतु कंप्यूटर कैसे कार्य करता है, इन जनरल त्रुटि रहित कार्य करता है, तो मतलब बहुत ज़्यादा एक्यूरेटली काम करता है। अब देखिए स्थायी भंडारण क्षमता, कंप्यूटर को हम कैसे इस्तेमाल करते हैं, परमानेंट स्टोरेज के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कंप्यूटर में हम मेमोरी का इस्तेमाल करते हैं तो उसका क्या मेन फंक्शन है, उसका मेन फंक्शन यही है कि उसमें डाटा, सूचनाएं, निर्देश, इनका क्या है स्टोरेज करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। हम चाहते हैं कि परमानेंटली हम इसका स्टोरेज रहे। और एक्चुअली क्या है, जो कंप्यूटर में जो डेटा स्टोर होता है वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में स्टोर होता है ना, तो उसके क्या है ख़राब होने के चांसेस भी बहुत कम होते हैं, है ना। विशाल भंडारण क्षमता, लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी। अब देखिए कंप्यूटर की जो ये फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक हो गई, ये थर्ड हो गई, इससे पहले अपन दो और पढ़ चुके हैं ना, तो ये फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक है, सारी याद करनी है, लाइन से याद रहनी चाहिए, तो एग्जाम में भी क्या क्लिक करती है कि हमने चौथे नंबर पे ये पढ़ी थी इसे, है ना। तो कंप्यूटर की जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है बहुत ज़्यादा होती है, लार्ज होती है। अब जैसे मान लीजिए ये मनुष्य है, ह्यूमन बींग की तो एक लिमिटेड कैपेसिटी होती है कि वो इतना ही डेटा स्टोर कर सकता है, परंतु कंप्यूटर की तो डेटा स्टोर करने की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है मनुष्य के मुकाबले, क्योंकि मनुष्य तो क्या है जो जो याद करता जाता है, जो चीज़ें सीखता जाता है वो सब भूलता भी जाता है, कंप्यूटर में तो लंबे समय तक रहती है, आपने एक बार कुछ डाटा इसमें डाल दिया तो अनलेस एंड अनटिल जब तक ये डेटा ख़राब ना हो जाए तब तक इसमें संग्रहित रहेगा, है ना। जब तक वो जिस भी आपने चीज़ में डेटा स्टोर किया है, चाहे वो हार्ड डिस्क में क्या हो, चाहे SSD में क्या हो, चाहे मैग्नेटिक टेप हो, चाहे CD हो, है ना, ROM में क्या हो, कहीं भी आपने डेटा स्टोर कर रखा है, जब तक ये चीज़ें ख़राब नहीं होंगी, इनमें कोई वायरस नहीं आएगा, तब तक उसमें डेटा स्टोर रहेगा, लंबे समय तक रहेगा। परंतु मनुष्य में तो क्या है एक लिमिटेड कैपेसिटी होती है, तो हम कह सकते हैं कि कंप्यूटर की जो लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी होती है ये भी इसका एक प्रमुख कैरेक्टरिस्टिक है। अब SSD की फुल फॉर्म क्या होती है, सॉलिड, है ना, सॉलिड स्टेट ड्राइव। आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, SSD की फुल फॉर्म भी आ सकती है, तो इसलिए याद कर लीजिए सॉलिड स्टेट ड्राइव बोला जाता है SSD को। अब इसमें क्या होता है, असीमित डाटा और सूचनाओं का संग्रहण किया जा सकता है, कंप्यूटर में कम स्थान में अत्यधिक सूचनाओं का संग्रहण किया जा सकता है, अतः इसकी भंडारण क्षमता भी विशाल होती है। अब देखिए एक्चुअली क्या होता है, अब इस लेवल पर पहुँच गए, इतनी सी जो एक हमारी जो एक आपने देखा होगा अपने जो फ़ोन होते थे पहले, अब तो बंद हो गया है, मतलब बंद क्या बहुत कम हो गया है, अपनी छोटी सी एक मैग्नेट चिप होती थी, अपन बोलते थे चिप ले लो इसमें गाने डाउनलोड कर लो, है ना, उसको क्या बोलते हैं मेमोरी कार्ड बोलते हैं इंग्लिश में, पर हिंदी में जनरल भाषा में तो चिप बोलते थे सब लोग। तो ये जो चिप होती है अब ये 50 GB तक भी आ गई है और इसमें बहुत ज़्यादा डाटा स्टोर किया जा सकता है। सोचो इतनी सी चिप में 50 GB डाटा स्टोर हो रहा है, तो पूरे एक रूम के बराबर साइज़ का अगर हम ये SSD बना दें तो फिर उसमें कितना डाटा स्टोर होगा। तो यही चीज़ ये बता रहा है कि लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी हो गई है कंप्यूटर्स की आज के ज़माने में, है ना। आगे देखिए भंडारित सूचना को तीव्र गति से प्राप्त करना क्या कहलाता है, फास्ट रिट्रीवल। अब जैसे मान लीजिए आप एक लाइब्रेरी में 15 कमरों की लाइब्रेरी है, बहुत बड़े बड़े हॉल हैं और बहुत ही बड़ी लाइब्रेरी है, दुनिया भर का डेटा यहाँ रखा हुआ है, ठीक है, किताबें यहाँ पे रखी हुई हैं लाइब्रेरी में। अब क्या है, आप आए, जो यहाँ बंदा पहले से काम करता था उसको तो सब पता था, और वो भी जैसे मान लीजिए आपको कोई एक बुक चाहिए तो वो क्या करेगा, 15वें कमरे में जाने में उसे बहुत देर लगेगी, वहाँ तक जाएगा, फिर उस किताब को ढूंढेगा, एक आध घंटे ढूंढता रहेगा, फिर ढूंढ ढांड के निकाल के लाएगा, ठीक है, जिसको वो उसकी जानकारी है वो, और जिसको जानकारी नहीं है उस कमरे तक वो पहुंच ही नहीं पाएगा, उसको तो कई साल लग जाएंगे, ठीक है। परंतु कंप्यूटर में क्या है, आपने कितना भी डेटा स्टोर कर रखा है, आप सर्च ऑप्शन में जाएंगे, वहाँ बुक का नाम लिखेंगे, एंटर करेंगे, और वो तुरंत कुछ ही सेकंड में आपके सामने उसका रिजल्ट ढूंढ के निकाल के दे देगा। तो इसी चीज़ को क्या बोला गया, फास्ट रिट्रीवल, मतलब भंडारित सूचना को तीव्र गति से प्राप्त करना, ये कंप्यूटर का क्या हो गया, कैरेक्टरिस्टिक हो गई, है ना। इसमें पढ़ लीजिए जाए, कंप्यूटर प्रयोग द्वारा कुछ ही सेकंड में भंडारित सूचना में आवश्यक सूचना को प्राप्त किया जा सकता है, जैसे रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये आप जानते हैं रैम होती है एक, और दूसरी होती है रोम, इसकी फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसकी फुल फॉर्म होती है रीड ओनली मेमोरी, जो हमारी हार्ड डिस्क होती है वो रोम ही होती है। इनके बारे में हम आगे चल के देखेंगे कि रैम वॉलेटाइल मेमोरी होती है, रोम क्या होती है, नॉन वॉलेटाइल मेमोरी होती है। ये बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, विच वन इज़ द वॉलेटाइल एंड विच वन इज़ नॉट वॉलेटाइल, ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं। आ जाइए आगे वाला देखते हैं, थोड़ा क्लियर कर देते हैं, ठीक है। देखिए जल्द निर्णय लेने की क्षमता, क्विक डिसीजन पावर, किसकी होती है, क्विक डिसीजन पावर होती है कंप्यूटर की। हम
कंप्यूटर से ज़्यादा तो हम ले सकते हैं कोई डिसीजन, ठीक है, परंतु क्या होता है जो सॉफ्टवेयर में इंस्टॉल है उस प्रोसेस के अकॉर्डिंग अगर लेनी हो, कोई डिसीजन लेना हो, तो कंप्यूटर हमसे पहले ले लेगा, है ना। कंप्यूटर परिस्थितियों का विश्लेषण पूर्व में दिए गए निर्देशों के आधार पर, यहाँ पे थोड़ा क्लियर करता हूँ जिससे समझ में आ सके। देखो, कंप्यूटर परिस्थितियों का विश्लेषण पूर्व में दिए गए निर्देशों के आधार पर बहुत तेजी से कर सकता है, यही बात बता रहा है। कार्य की एक रूपता, यूनिफॉर्मिटी ऑफ वर्क, बार बार तथा लगातार एक ही कार्य करने के बावजूद कंप्यूटर के कार्य की गुणवत्ता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वो उसी एक्यूरेसी के साथ में, उसी यूनिफॉर्मिटी के साथ में उसी कार्य को बार बार कर सकता है और उसी कंसिस्टेंसी के साथ कर सकता है। कंप्यूटर में कोई प्रॉब्लम नहीं आती, कंप्यूटर तो करता ही रहता है ना, वो तो क्या बिजली के फॉर्म पर कर रहा है, उसमें सॉफ्टवेयर उसमें कर रहा है, पर इंसान क्या थक जाता है, मनुष्य की तो एक लिमिटेशंस होती है ना। आ जाइए नेक्स्ट देखते हैं, पुनरावृत्ति। अब देखिए रिपीटेशन, रिपीटेशन क्या होता है, कंप्यूटर एक ही काम को, जैसे कंप्यूटर को आदेश देकर हम एक ही तरह के काम को बार बार करा सकते हैं, कंप्यूटर कभी थकता नहीं है, है ना। और कंप्यूटर जो भी कार्य करेगा वो विश्वसनीयता के साथ करता रहेगा और बहुत तेज़ी से कराया जा सकता है कंप्यूटर से। तो ये क्या होगा, कंप्यूटर की एक कैरेक्टरिस्टिक हो गई, स्फूर्ति का मतलब है कि कंप्यूटर कभी थकता नहीं है, बोरियत फील नहीं करता, क्यों, कंप्यूटर एक मशीन है, इंसान थोड़ी है। तो कंप्यूटर में क्या मानवीय दोष नहीं होते, वो हमेशा एक ही यूनिफॉर्मिटी, एक ही एनर्जी के साथ में काम कर सकता है ना, वो स्फूर्ति एनर्जी बनी रहती है उसमें। गोपनीयता, सीक्रेसी, देखिए कंप्यूटर की ये एक और इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है कि कंप्यूटर जो सामने वाला बंदा है, उसका जो कंप्यूटर है, अगर उसने उसमें पासवर्ड लगा रखा है तो वो उसकी गोपनीयता, उसकी सीक्रेसी का भी ध्यान रखता है, उसको मेंटेन रखेगा अनलेस एंड अनटिल जब तक उसका पासवर्ड किसी और के हाथ में ना लग जाए या फिर कोई उसका पासवर्ड क्रेक ना कर ले, तब तक वो सामने वाले बंदे की जो सीक्रेसी है वो मेंटेन रखता है कंप्यूटर, है ना। पासवर्ड के प्रयोग द्वारा कंप्यूटर के कार्यों को गोपनीय बनाया जा सकता है। पासवर्ड के प्रयोग से कंप्यूटर में रखे डाटा कार्यक्रम को केवल पासवर्ड जानने वाला व्यक्ति ही देख सकता है, है ना। आ जाइए नेक्स्ट देखते हैं, सक्षमता, डेलीजेंसी। देखिए अपन ने पीछे स्फूर्ति, एजिलिटी पढ़ा था, तो उसमें अपन ने यही पढ़ा था कंप्यूटर कभी थकता नहीं है, तो वही सेम चीज़ है, पर अपन को क्या है सभी तरह के वर्ड्स पता होने चाहिए क्योंकि ये कंप्यूटर की कैरेक्टरिस्टिक्स है और एग्जाम में आपसे पूछी जा सकती हैं। तथा निरंतर कई घंटों कार्य करने के बाद भी उसी एकाग्रता एवं गति के साथ कार्य कर सकता है, तो कंप्यूटर क्या होता है कभी थकता नहीं है और ये हमेशा सक्षम रहता है सभी तरह के कार्य करने में। स्मरण शक्ति, कंप्यूटर की जो पावर ऑफ रिमेम्बरिंग है वो इंसान से बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि कंप्यूटर में चाहे कितना भी विशाल डाटा हो वहाँ से उसको खोज के निकाल लाएगा कंप्यूटर, है ना, परंतु मनुष्य की तो एक कैपेसिटी है, उतना ही कर पाएगा। कंप्यूटर में भी मनुष्य मस्तिष्क की तरह ही स्मरण शक्ति, मेमोरी होती है, जिसमें लाखों करोड़ों आंकड़े डाटा संग्रहण करके रखे जा सकते हैं, आवश्यकता अनुसार इन आंकड़ों को कभी भी फिर से देखा जा सकता है, ठीक है। तो ये वाली चीज़ है, व्यापक उपयोगिता, वर्सेलिटी। देखो कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर की सबसे बड़ी खासियत यही है कि इसका जो यूज़ है बहुत वाइडर है, इसको किसी भी तरीके से किसी भी फॉर्म में कहीं पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है, इसके बहुत सारे उपयोग हैं, जैसे कि स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, फैक्ट्री, घर, कार्यालय, अनुसंधान, मौसम विज्ञान, मनोरंजन आदि अनेक क्षेत्रों में कंप्यूटर की सहायता से बहुत सारे कार्य किए जा रहे हैं, और ये कंप्यूटर अपनी क्या है बहुत ज़्यादा यूटिलिटी दिखा रहा है इन सभी क्षेत्रों में। स्वचालन, ऑटोमेशन, है ना, ऑटोमेशन, कंप्यूटर का स्वचालन का गुण होने के कारण इसके प्रयोग से मानव श्रम एवं समय की बचत हो रही है। अब जैसे मान लीजिए आपने इसमें टाइमर लगा के आपने कहा कि 3 बजे, मतलब कहा क्या, टाइमर 3 बजे का लगा दिया, 3 बजे कंप्यूटर खुद ब खुद चालू हो जाएगा और खुद ब खुद जो भी आपने प्रोसेसिंग लगाए रखी है वो प्रोसेसिंग करके फिर अपने आप बंद हो जाएगा। कुछ कंप्यूटर को जिस तरीके से आप डिज़ाइन करेंगे कंप्यूटर उसी तरीके से कार्य करता है, और ये कंप्यूटर का सबसे बड़ा क्या है, कैरेक्टरिस्टिक है सबसे बड़ी। आ जाइए नेक्स्ट देखते हैं, प्रश्न नंबर 1 करते हैं, कंप्यूटर की सूचनाओं को सुरक्षित करने की क्षमता को क्या कहा जाता है। तो देखो कंप्यूटर में जो इन्फॉर्मेशन होती है उसको वो स्टोरेज करके रखता है, सुरक्षित करके रखता है, तो उसको क्या कहेंगे। आपके सामने 4 ऑप्शन है, डेलीजेंस, एक्यूरेसी, स्टोरेज या IQ। देखिए ये मेरे ऑप्शन जानबूझ के इंग्लिश में रखे हैं क्योंकि एग्जाम में क्या होते हैं इनके जो हिंदी वर्ड्स होते हैं ना वो अगर आपको समझ में नहीं आए तो आपको इंग्लिश में ही देखे करने पड़ेंगे, तो आपको इंग्लिश आनी चाहिए, है ना। तो कौन से हैं, डेलीजेंस, एक्यूरेसी, स्टोरेज, IQ। तो जल्दी से इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिखिए, 10 से 15 सेकंड ले लीजिए आराम से, ठीक है। तो आई थिंक आपने इसका आंसर वीडियो को पॉज करके दिया होगा, मैं इसका आंसर आपको बताता हूँ। देखिए इसका आंसर है ऑप्शन 3, स्टोरेज। कंप्यूटर की जो सूचनाएं, इन्फॉर्मेशन होती हैं उनको कहाँ सुरक्षित करता है, स्टोरेज में ही सुरक्षित करता है। आ जाइए नेक्स्ट देखते हैं, कंप्यूटर की तेजी से काम करने की क्षमता को क्या कहा जाता है। कंप्यूटर बहुत ज़्यादा
फास्टली वर्क करता है उसको क्या कहेंगे? आपके सामने चार ऑप्शन है, रिलायबिलिटी, वर्सिलिटी, ऑटोमेशन या स्पीड। तेजी से काम करने को क्या कहेंगे? स्पीड कहेंगे, रिलायबिलिटी कहेंगे, वर्सिलिटी कहेंगे, ऑटोमेशन कहेंगे। वीडियो को पॉज करें और इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिखें। 10 से 15 सेकंड आराम से ले लीजिए क्योंकि इंग्लिश में है, ठीक है। और इंग्लिश भी आपको आनी चाहिए क्योंकि आपके CET में इंग्लिश भी है ना, इंग्लिश का भी तो आएगा पेपर, तो आपको इंग्लिश थोड़ी आनी चाहिए। तो आई थिंक आपने वीडियो को पॉज किया होगा, इसका आंसर दिया होगा। अब मैं इसका आंसर आपको बताता हूँ। देखिए, कंप्यूटर की तेज़ी से काम करने की क्षमता को क्या कहेंगे? स्पीड कहेंगे, ठीक है। आ जाइए नेक्स्ट देखते हैं। प्रश्न नंबर 3, कंप्यूटर बिना रुके निरंतर काम करने की क्षमता को क्या कहा जाता है? कंप्यूटर की जो क्षमता है, जो बिना रुके वो काम कर सकता है ना, उसको क्या कहेंगे? डेलीजेंसी कहेंगे, वर्सेलिटी कहेंगे, ऑटोमेटिक कहेंगे या एक्यूरेसी कहेंगे, है ना। तो कंप्यूटर क्या बिना रुके, बिना थके निरंतर कार्य करता जा रहा है। अपन ने एक वर्ड पढ़ा था, अगर आपको याद हो तो, एजिलिटी, ठीक है। तो ये एजिलिटी वर्ड जो ऊपर ने पढ़ा था, ये बस उसका ही सिनोनिम है। तो जल्दी से बताइए, कमेंट्स करिए, 10 से 15 सेकंड में आंसर लिखिए। तो इसका आंसर मैं आपको बताता हूँ, वीडियो को जल्दी से पॉज करके आप इसका आंसर दे सकते हैं। तो इसका आंसर देखिए, इसका आंसर है डेलीजेंसी, ठीक है, या एजिलिटी बोल दीजिए या डेलीजेंसी बोल दीजिए। कंप्यूटर बिना थके निरंतर कार्य कर सकता है, इस क्षमता को क्या बोला जाता है? डेलीजेंसी। आ जाइए नेक्स्ट देखते हैं। अरे ये पांचवा कहाँ से लग गया, ठीक है। चौथा क्वेश्चन, कंप्यूटर सटीक उत्तर देने की क्षमता को क्या कहा जाता है? कंप्यूटर की जो सटीक उत्तर देता है कंप्यूटर बिल्कुल, तो उसको क्या बोलेंगे? आपके सामने चार ऑप्शन है, मेमोरी, स्पीड, डेलीजेंसी या एक्यूरेसी। तो जल्दी से वीडियो को पॉज करें और इसका आंसर 10 से 15 सेकंड में लिख दीजिए। बहुत इजी है ये, आपको आसानी से आ रहा है, ठीक है। आई थिंक आपने इसका आंसर वीडियो को पॉज करके दिया होगा। अब मैं इसका आंसर आपको बताता हूँ, इसका आंसर है एक्यूरेसी। कंप्यूटर क्या है? सटीक उत्तर को क्या बोलते हैं? एक्यूरेसी, एक्यूरेट आंसर देना, सटीकता से आंसर देना। आ जाइए नेक्स्ट देखते हैं। पाँचवा प्रश्न, कंप्यूटर का वह कौन सा गुण है जिससे कंप्यूटर हर तरह के काम कर सकता है? तो उसे क्या बोलते हैं? वर्सिलिटी बोला जाता है, स्पीड बोला जाता है, एक्यूरेसी बोला जाता है या फिर डेलीजेंसी बोला जाता है, ठीक है। तो जल्दी से 10 से 15 सेकंड में इसका आंसर लिख दीजिए, कमेंट सेक्शन में लिखिए, वीडियो को करिए पॉज। तो आई थिंक देखिए, आपने वीडियो को करा होगा पॉज और इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिखा होगा। मैं बताता हूँ, कंप्यूटर का यह वह गुण है जिससे कंप्यूटर हर तरह का काम कर सकता है। कौन सा ऑप्शन हो गया? आंसर 1 हो गया, ठीक है, वर्सेलिटी। अब बोलते हैं वर्सेटाइल है ये, तो सब तरह के काम कर सकता है ना। आ जाइए ना देखते हैं। प्रश्न नंबर 6, कंप्यूटर के किस काम को अपने आप करने की क्षमता को क्या कहा जाता है? कंप्यूटर अपने आप से खुद से कोई कार्य करता है तो उसे क्या बोलेंगे, है ना? स्पीड बोलेंगे, एक्यूरेसी बोलेंगे, ऑटोमेटिक बोलेंगे या मेमोरी बोलेंगे? जल्दी से 10 से 15 सेकंड में आंसर लिखिए, वीडियो को करिए पॉज और हम आपके कमेंट्स का वेट करते हैं। तो आपको कमेंट जरूर लिखना है, ठीक है। तो देखिए, इसका आंसर मैं आपको बताता हूँ, इसका आंसर है ऑटोमेटिक। अगर कंप्यूटर अपने आप कोई काम कर रहा है, कोई भी चीज़ ऑटोमेटिक हो रही है, तो वो अपने आप हो रही है, उसको क्या बोलेंगे? ऑटोमेटिक। अब करते हैं प्रश्न नंबर 7, कंप्यूटर में लंबे समय तक सूचनाओं को सुरक्षित रखने की क्षमता को क्या कहा जाता है? देखिए, पहले अपन ने पढ़ा था कंप्यूटर में सूचनाओं को सुरक्षित रखने की क्षमता, उसका आंसर तो अपन ने स्टोरेज देख लिया था। आप भी इसका आंसर स्टोरेज करते हैं, ठीक है। पर अगर अपन को लंबे समय तक सूचनाओं को सुरक्षित रखना है तो उसको क्या बोलेंगे? आपके सामने है चार ऑप्शन, पहला है मेमोरी, दूसरा है स्टोरेज, तीसरा है डेलीजेंसी, चौथा है वर्सेलिटी। तो जल्दी से इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिखिए, 10 से 15 सेकंड में मैं इसका आंसर आपको बताता हूँ। देखिए, इसका आंसर है मेमोरी, ठीक है। अगर हमें किसी भी डेटा को लंबे समय तक स्टोर करना है तो हम कहाँ करते हैं? मेमोरी में स्टोर करते हैं। आ जाइए प्रश्न नंबर 8, कंप्यूटर एक साथ कई सारे कार्य करने की क्षमता को क्या कहा जाता है? कंप्यूटर एक साथ बहुत सारे वर्क करता है तो अपन उसको क्या बोलेंगे? आपके सामने चार ऑप्शन है, मल्टी प्रोग्रामिंग, मल्टी टास्किंग, मल्टी यूज़र या डेलीजेंसी, ठीक है। तो क्या बोलेंगे अपन उसको? 10 से 20 सेकंड ले लीजिए, चले यहाँ पर आराम से सोच के इसका आंसर लिखिए, कमेंट सेक्शन में आपको इसका आंसर ज़रूर ज़रूर लिखना है, ठीक है। तो उसको क्या बोलेंगे? मल्टी प्रोग्रामिंग तो क्या होता है, बहुत सारे प्रोग्रामों को एक साथ काम करने को बोलते हैं, पर ये क्या बोल रहा है? कई सारे कार्य, ये सिर्फ प्रोग्राम को है, प्रोग्राम ये सिर्फ प्रोग्राम के कार्य को एक साथ कर रहा है। पर अगर प्रोग्राम के साथ में ये करे एनालिसिस, उसके साथ में स्टोरेज भी कर रहा है, उसके साथ में
कैलकुलेशन भी कर रहा है, उसके साथ में कुछ भी काम ले लीजिए, सारे बहुत सारे अलग अलग तरीके का काम कर रहा है तो उसे क्या बोलेंगे, मल्टी टास्किंग बोला जाएगा, और बहुत सारे प्रोग्राम एक साथ कर रहा है तो मल्टी प्रोग्रामिंग बोला जाएगा, और एक ही कंप्यूटर पर बहुत सारे बंदे एक साथ बैठे हैं तो मल्टी यूज़र बोलेंगे उसको। आ जाइए नेक्स्ट देखते हैं, प्रश्न नंबर 9, कंप्यूटर मानव की तरह महसूस कर सकता है क्या? तो देखिए आपके सामने दो ऑप्शन है, ट्रू और फॉल्स। आपको इस स्टेटमेंट को पढ़ना है और उसके अकॉर्डिंग इसका आंसर देना है, क्या कंप्यूटर मानव की तरह महसूस कर सकता है। दूसरा क्वेश्चन है आपके सामने, मतलब 10th क्वेश्चन है, कंप्यूटर खुद कोई निर्णय नहीं लेता है, तो क्या ये स्टेटमेंट सही है या गलत है? तो देखिए ये दोनों स्टेटमेंट आपके लिए क्या है, होमवर्क है। आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है जो देख रहे हैं। अगर आप चाहते हैं हम इसके आगे इसको कंटिन्यू रखें तो, और जल्दी जल्दी आपके लिए इससे भी अच्छा डेटा लेकर आएँ जो आपके एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहे, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आप खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, बाय।